नमस्ते सभी को। नमस्ते भानु भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी साथियों को। हाँ सभी साथियों का हिंदी सत्र में स्वागत है। भैया, हम कल का मतलब ये गृह कार्य है। जी भैया, कल हम लोगों ने अभ्यास संबंधी चर्चा को शुरू किया था। उससे पहले हम लोग सेल्फ को समझने का और एक्सिस्टेंस को समझने के लिए कुछ डिस्कशंस कर रहे थे पिछले 20-25 दिनों में। उसके बाद हम लोगों ने अभ्यास पर फोकस और करते हुए आगे बढ़े थे। तो कल ये बात ध्यान में आई थी कि अगर देखने जाए तो निरंतर तृप्ति पूर्वक हमारे में जो जीने की चाहना है, निरंतर तृप्ति पूर्वक जीने के अर्थ में 3 अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। पहला अभ्यास तो ये कि सही सही समझना स्वयं को और इस पूरे अस्तित्व को, स्वयं से लेकर अस्तित्व समग्र तक को सही सही समझना जानना, एक अभ्यास तो इसका है। और जो भी हमको ये स्वयं से लेकर अस्तित्व तक समझ में आ रहा है, ये जो व्यवस्था समझ में आ रही है, उसमें जो हमारी भागीदारी समझ में आ रही है, वैसा सही सही भाव विचार अपने में करना। तो पहला अभ्यास सही समझने का स्वयं से लेकर अस्तित्व तक, दूसरा अभ्यास अपने भाव विचार को ठीक करने का, दूसरा जो अभ्यास का विषय वस्तु है वो ये। तीसरा, जैसा हमको सही समझ में आया और जैसा हमने अपने भाव विचार को उसके अनुरूप ठीक किया, अब उसको बेस में रखते हुए वैसा व्यवहार कार्य और व्यवस्था में भागीदारी कर। जब मैं व्यवहार कार्य व्यवस्था में भागीदारी कर रहा हूँ, उस समय दूसरे मनुष्य भी मेरे साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। उस क्षण अपने में सजग बने रहना कि जो अब मैं व्यवहार कर रहा हूँ, जो भी मैं भाव अपने में तय कर रहा हूँ, मैंने जो सही समझा है वो आधार में है उसको निर्णय लेने के लिए कि इसके साथ मैं ऐसा भाव व्यवहार करूंगा, या फिर दूसरे व्यक्ति का किया गया व्यवहार, दूसरे व्यक्ति का किया गया आचरण ही मेरे भाव को तय कर रहा है। उस क्षण इसको और सजग होकर देख, तो देखने जाएंगे तो ये 3 प्रमुख अभ्यास के लिए मुद्दे हैं। समझना सही सही, सही भाव सुनिश्चित करना, और सही समझ सही भाव आधारित अपने व्यवहार कार्य और व्यवस्था में भागीदारी को सुनिश्चित कर। ये तीनों जरूरी है, या तीनों में किसी को छोड़ा जा सकता है, ये तो हम में से हर एक व्यक्ति को अपने में एक्सप्लोर करके देखना होगा। तो आप अपने आप से ही पूछ के देखिए कि आपके लिए ये तीनों ही महत्वपूर्ण है या तीनों में किसी को छोड़ सकते। फिर दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि अगर ये तीनों ही महत्वपूर्ण है तो इसको किस क्रम में ध्यान दिया जाए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों में बेस क्या है। तो देखेंगे तो तीन के लिए, अगर हम तीन को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस 1 और 2 है। 2 को अगर ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस 1। अगर हम परस्परता में सही व्यक्त होना चाहते हैं व्यवहार में कार्य में भागीदारी करते समय, तो हमारा भाव विचार वैसा होना आवश्यक है, संबंध का व्यवस्था का अस्तित्व। और वैसा भाव विचार होने के लिए संबंध व्यवस्था और अस्तित्व का समझ में आना सही सही वो आवश्यक है। इसलिए एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में आती है कि सही जीने के लिए, अर्थात परस्परता में व्यवहार कार्य और व्यवस्था में सही भागीदारी करने के लिए सही भाव विचार का होना आवश्यक है, और उसके बैकग्राउंड में सही समझ का होना आवश्यक है। ये पहला 2 चीजें बेस में अगर हम सुनिश्चित कर पाते हैं तो उसके आउटकम के रूप में हम तीसरे का ठीक ठीक अभ्यास कर पाते हैं। इस क्रम में कल हम लोगों ने ये 3 चीजों पर ध्यान देने का प्रयास किया था कि हमारे लिए ये तीनों महत्वपूर्ण है या तीनों में किसी को छोड़ा जा सकता है।
फिर इन तीनों को महत्वपूर्ण है तो बेस वर्क किस पे पहले किया जाए, 3 नंबर पे कि 1 और 2 नंबर पे? दिन भर आप अपने पर ध्यान देकर इस बात को एक तरह से इवेलुएट करने की कोशिश करें कि कितना ध्यान आपका सेल्फ के डेवलपमेंट के लिए है, स्वयं के विकास के लिए है, और कितना समय आप दूसरों के आकलन में ही लगा रहे हैं, दूसरों के मूल्यांकन में ही लगा रहे हैं। हर बार जब आपका ध्यान बाहर होता है, विशेष तौर पर जब हमारे विचारों में दूसरों के लिए शिकायत चल रही होती है या दूसरों के लिए कुछ इस तरह का हम परेशान हो रहे होते हैं दूसरों के विचार से, समय उसको और ठीक से ध्यान देने की जरूरत है कि उस समय भी हमारा ध्यान अपने सेल्फ के डेवलपमेंट पर है या दूसरों पर फोकस है। इस तरह से इन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए कल आपके साथ इस बात को साझा किया गया था। आप में से अफकोर्स कुछ साथियों ने इस पर ध्यान दिया होगा और उनका कुछ ऑब्जर्वेशन रहा होगा, उसको हम लोग सुन सकते हैं अगर कोई साथी इस पर अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहते हैं। जी नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि मैं अपने ख्यालों में मैं मतलब ज्यादा अपने कलीग्स के बारे में सोचता रहता हूँ, और जो पास्ट इवेंट्स हैं उनके बाद वो कभी कभी मेरे जहन में आती हैं और मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है। तो इससे मैं फोकस करना चाहता हूँ प्रेजेंट में, यानी ताकि मैं इस चीज से बाहर निकल सकूं, मगर वो उतना उतना तत्परता बन नहीं पा रही है। तो इसके लिए क्या कोई उपाय है जो जो मैं जी भैया, तो जब भी आप अपने कल्पनाशीलता पे ध्यान देते हैं और दिखता है कि बहुत सारे कलीग्स के बारे में, बहुत सारे पास घटनाओं के बारे में कुछ चल रहा है, तो अब हमको उसको रोकने का या उससे दूर भागने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उस पर ध्यान देते हुए के साथ संबंध का भाव है, स्नेह का भाव है, सम्मान का भाव है, विश्वास का भाव है, या अविश्वास का भाव है, द्वेष का भाव है, मान का भाव है, विरोध का भाव है, मेरा भाव क्या है वो जो चल रहा है, फिर उसको देखें कि वो भाव सही है कि नहीं, अर्थात मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, अर्थात मेरे लिए स्वाभाविक है कि नहीं, अर्थात वो भाव के साथ मैं आराम में हूं कि नहीं। फिर उस पर और जब ध्यान बनता है तब ये प्रश्न आता है कि जो मैंने समझा है दूसरे मानव को, अपने को, इस पूरे अस्तित्व को, इसके बारे जो मैंने समझा है, ये जो मैं भाव बना रहा हूँ अपने कलीग के बारे में, अपने समझ के आधार पर बना रहा हूँ या दूसरा जो मेरा कलीग है उसने जो मेरे साथ बिहेवियर किया है उसके बेस पर ही कोई मैं अपना भाव तय कर ले रहा हूँ, तो एक तरह से उसको देखते देखते अपने भीतर ये सारा काम शुरू हो जाएगा, तो उसको रोकने की बहुत आवश्यकता मुझे नहीं लगती, बल्कि उस पर और ध्यान देकर उसके पीछे के भाव को और वो तय कैसे हो रहा है ना, फिर उसके पीछे की समझ पर एक तरह से धीरे धीरे अपने को शिफ्ट होने की जरूरत है। तो हम धीरे धीरे 1, 2 और 3, ये जो तीनों बातें स्लाइड में शो किए हैं उस पर धीरे धीरे ध्यान जाने लगे। जी भैया, जी भैया, जी कोशिश करूंगा। जी, इसको प्रयास शुरू रख जारी रखें, आगे हम लोग और इसको विधिवत करेंगे ही। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, एक्चुअली 3-4 दिन पहले एक बात एकदम से मेरे ध्यान में आई कि जो सही भाव और सही विचार की बात है, तो पहले मेरे से कभी कभी ऐसा होता था कि अंतर विरोध रहता था, मतलब आप बाहर उसको व्यक्त नहीं कर रहे लेकिन पता नहीं अंदर से कहाँ से वो विरोध का भाव था, लेकिन जो मैंने शिफ्ट देखी वो ये देखी कि अंदर से जो विरोध का भाव है वो एकदम से मैं रोक पाई, रोकने का मतलब उसको पहचान पाई और उसको उसका समाधान वहां पर कर पाई कि ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है ये भाव, पर मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया और इसको वहीं पर जैसे एक समझ के साथ,
रोकना फोर्सफुली मैंने नहीं रोका, पर हाँ एक अवेयरनेस आई, ये मैं शिफ्ट देख पाई। फिर उसी के बाद दूसरे दिन कुछ ऐसी घटना हुई कि मुझे थोड़ा जोर से बोलना पड़ा, तो मैंने उस समय भी सजग होके देखने का प्रयत्न किया कि ऐसा मेरा एक्सप्रेशन क्यों हुआ। तो फिर उसके मूल में भी मैं ये देख पाई कि वहाँ पर भी मेरा भाव सही था और मुझे उचित लगा कि भाव सही है तो अभी ऐसे बोल के ही इसको रोका जा सकता है। फिर दूसरे दिन मैंने उसी व्यक्ति के साथ वापस से बात करी कि भाई ऐसा आपने क्यों बोला या मुझे भी क्यों ऐसे जोर से बोलने की आवश्यकता हुई, तो वो एक समाधान की स्थिति वहां पर भी देख पाई। तो ये दो चीजें मुझे शेयर करनी थी। जी, दीदी, तो एक अच्छी उपलब्धि है कि हम उसको इतनी बारीकी से देख पा रहे हैं। अब धीरे अब धीरे मतलब ध्यान अभी जाएगा और तो इस हाँ अभी इसका जैसे मुझे अभ्यास और करने की आवश्यकता लग रही है कि एक हर पल जैसे अंदर से भी क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, इसको ऑब्जर्व करने की एक एक तरह से एक दिशा मिल गई कह सकती हूँ। जी। तो इस पर और फोकस करेंगे तो अगला कदम हमारे लिए ये होगा, हमारे अंदर अगर डिसहार्मनी हो रही है, अंतर्द्वंद हो रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारा भाव कुछ और है और हमको सहज स्वीकार कोई और भाव है। तो हमको सही कोई और भाव लग रहा है और इस समय हमारा भाव कुछ और बना लिया है हमने। तो ये दोनों में ये जो कंट्राडिक्शन है उसी को हम अंतर्द्वंद के रूप में भीतर देख पाते हैं और वही हमारे लिए एक तरह से बेचैनी का कारण बनता है। तो धीरे धीरे अब उसमें ये दिखाई देने लगेगा कि हमने इस क्षण कौन सा भाव बना रखा है, और ये भी फिर हम ध्यान देकर देख पाएंगे कि हमको सहज रूप से स्वीकार कौन सा भाव है, या ये दोनों एक ही हैं या ये दोनों अलग अलग हैं। तो और बारीकी से अपने भीतर काम शुरू हो पाएगा। जी दीदी, जी, और एक और स्थिति ऐसी हुई थी जहां मुझे किसी व्यक्ति को कुछ काम कंप्लीट करके देना था, तो वहां पर भी मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया तो ध्यान में आया कि वो संबंध के भाव के हिसाब से ही मैं उसको उस कार्य को पूरा कर रही हूँ। जी, हाँ जी, नमस्कार भैया। जी भैया, अभी ये एक्सरसाइज करते हुए मेरे को ध्यान में आया कि हाँ, मेरा पिछले कुछ दिनों से, अदरवाइज मेरा ऐसा नहीं है, पिछले कुछ दिनों से मैं काफी डिस्टर्ब चल रही थी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन में चल रही थी और कुछ प्रॉब्लम्स फैमिली में भी, थोड़े छोटे छोटे से इश्यूज थे। तो बट मैंने अभी इसको पढ़ने के बाद मेरे को ये चीज ध्यान में आई कि हाँ, पिछले कुछ दिनों से मेरा जो ध्यान था वो ज्यादातर दूसरों के बारे में शिकायत करते हुए और दूसरों के बारे में हर हर चीज के लिए उन दूसरों को ही जिम्मेवार ठहराने में ज्यादा मेरा ध्यान लगा हुआ था। और मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि पिछला कुछ कोई काम किसी वजह से पिछले 1 साल से पेंडिंग था, तो मैं उसके लिए बहुत ज्यादा शिद्दत कर रही थी, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो काम कंप्लीट हो जाए, लेकिन वो किसी वजह से वो काम कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो अभी बुधवार को जिस पर्सन के थ्रू वो काम कंप्लीट होना था, तो मैंने थोड़ा सख्ती से उनके साथ पेश आई। बट वो जो सख्ती में पेश आने के बाद मुझे ऐसे लगा कि मेरा भाव भी अंदर से बहुत बिगड़ गया है और सामने वाले बंदे का तो बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि इतनी सख्ती से मैं उनके साथ पहले, उससे पहले कभी पेश नहीं आई थी। बट उसके बाद मैंने ये फील करा कि मैं 2 दिन खुद बहुत डिस्टर्ब रही, वेंसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, मतलब मैं अपने किसी भी काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाई। किसी भी काम पे, कहने का मेरा मतलब है कि जो काम मैंने अकेले आइसोलेशन में करने होते हैं, जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, तो मुझे ऐसे लगा कि हर पल जब भी मैं अकेली हूं तो मेरे मन में वो द्वंद्व सा चला हुआ है कि दूसरे बंदे के साथ मेरा रिलेशन है जो इतना पुराना है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फिर मैंने बड़ी हिम्मत, बीच में 2-4 मैसेजेस भी करे, बट उन्होंने मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। तो कल फिर मैंने मॉर्निंग में उनसे कॉल करी, तो कल भी मैं योगा करने लगी, तो मुझे लगा मैं कर नहीं पाऊंगी, मेरा ध्यान उधर ही अटका रहेगा। तो उसी से पहले मैंने पर्सन को कॉल करी और कॉल करने के बाद उन्होंने भी मेरा कॉल उठाया और सहज भाव से मेरा कॉल अटेंड करा और हमने फर्दर काम के बारे में डिस्कस करा कि अभी ये काम पेंडिंग है तो कब शुरू होगा, ठीक है हम ये मंडे को शुरू कर लेते हैं। तो आई रियलाइज्ड कि उस बंदे ने भी मेरे से कोई बात नहीं करी जो भी वेंसडे को हुई थी, और ना ही मैंने कोई क्लेरिफिकेशन दी कि मैंने वेंसडे को आपको इतनी सख्ती से बोला, ये बोला, वो बोला, कुछ भी नहीं, कोई बात ही नहीं हुई। मतलब हमने उस एपिसोड के बारे में ना कुछ डिस्कस करते हुए रहे, बहुत ही सहज भाव में अगला अपना पॉइंट, अगले काम डिस्कस करे।
उस दिन के बाद कल मुझे ऐसे लगा, कल सुबह के जैसे मेरे सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। तो एकदम से मैं मतलब बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में आ गई, और पूरा दिन मुझे इस बात की खुशी होती रही कि नहीं, जो मेरा एक 2 दिनों से मेरे अंदर इतनी डिसहार्मनी चली हुई थी कि वो कहीं ना किसी लेवल पे सेट हो गई। ऑल्दो हम ये चीजों को देख पाते हैं और अंदर ऑब्जर्व भी कर पाते हैं, बट मुझे ऐसे लगता है कि जब ये किसी ना किसी जैसे अब बिल्कुल एक स्लाइड के रूप में बिल्कुल हमारे सामने आ गई कि पॉइंट नंबर जो हमारे लास्ट के 2 पॉइंट है कि दिन भर में ध्यान दें कि आप स्वयं के विकास में कितना समय लगा रहे हैं, और उससे नेक्स्ट पॉइंट कि जब ये बिल्कुल लिखती रूप में हमारी आंखों के सामने आ रहा है और जब हम इसको बार बार ध्यान दे रहे हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हम इस पॉइंट पे ज्यादा सोचने के लिए हो जाते हैं कि यस, है ना, कि हम कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों में मैं भी दूसरों के बारे में शिकायत के रूप में ही दूसरे पर्सन को ले रही थी, और अगर मेरा बच्चा जहाँ कोई भी मेरे से कोई और बात भी कर रहा है, कोई अपनी प्रोग्रेस बता रहा है, कुछ भी बता रहा है, तो उसकी बात थोड़ी सी सुन के बिना प्रॉपर सुने, बिना उसका रिस्पॉन्स करे, मेरा ध्यान जिसकी तरफ मेरा विरोध हो रहा था, जिस भी अपने फैमिली मेंबर या बाहर वाले मेंबर के साथ जो भी मेरा विरोध हो रहा था, तो मेरा मुझे ऐसे लगा कि मेरा ध्यान उसको एक्सप्रेस करने में ज्यादा है देन लिसनिंग टू माई चिल्ड्रन कि उन्होंने उनके दिन की क्या प्रोग्रेस है, उन्होंने क्या पढ़ाई करी। तो आई ऑब्जर्व दिस थिंग इन माई सेल्फ। भैया हाँ जी, थैंक यू भैया, प्लीज इस पे आप मुझे थोड़ा सा और मेरा मार्गदर्शन करें। जी, फिर जो सेल्फ के विकास की यात्रा पे हम लोग निकले हैं, जो प्रयास जारी है, उसके कुछ स्टेप्स के बारे आपको बताता हूँ, फिर आप उस स्टेप पे देख पाएंगे कि आप कहाँ खड़ी हैं और अगला स्टेप कौन सा है। तो देखेंगे, एक सेल्फ स्थिति यह होती है कि वो दूसरे के साथ जब भी व्यवहार में उलझता है तो उसको ध्यान भी नहीं जाता कि उसने कुछ सही किया है या गलत किया है, जो भी किया है उसको सही ही स्वीकारे रहता है। एक सेल्फ ये है कि वो ये देख पाता है कि जो ये उलझा उलझन हुई व्यवहार में उलझे दो लोग, उसमें उसका भी रोल है और मेरा भी रोल है, मुझे उस पर भी ध्यान देना है और अपने पर भी ध्यान देना है। सेल्फ की तीसरी स्थिति है जो ये देख पाता है कि मैं जो भी व्यवहार में उलझा, व्यवहार में कुछ उसने कहा, कुछ मैंने कहा, ये असहमति और सहमति का मामला एक है, उससे ऊपर का मामला है कि मेरा ये जो भाव में विरोध आ गया, मेरे ये जो भाव में है ना एक तरह से द्वेष आ गया, मेरे इस भाव में कुछ बदलाव आया, मैं उसके कारण हुआ, ना कि उसके साथ बातचीत में जो असहमति हो रही थी उसके कारण। ये तीसरी जगह है ना। एक हाँ चौथी जी, जगह ये है, एक चौथी जगह सेल्फ की यात्रा में ये है कि तीसरी जगह पे जब ये होता है तो उस जगह पे ये भी दिख पाता है कि हम बीच में जब इस बात को ध्यान नहीं दिए तो जितने समय हम ध्यान दिए उतने समय अपने भाव विचार को ठीक बनाए रखे, जब ध्यान नहीं दिए तो हमसे अग्रेशन हो गया, कुछ रिएक्शन बाहर निकल गया और हम तो उसको ठीक करने की यात्रा में निकले थे, एक अपने में गिल्ट फीलिंग जैसी अपने को महसूस होने लगती है, जैसे कोई बड़ा ब्लंडर हमसे हुआ है। लेकिन जो आदमी सबसे निचली स्थिति में है उसको तो वो गिल्ट फीलिंग भी बहुत मुश्किल से दिखाई देती है। एक स्थिति और बनती है जिसको चौथी स्थिति कह रहे हैं, जहां पर हम ये देख पाते हैं कि क्या हम अपना भाव ठीक रखे हुए दूसरे आदमी को तेज डांट सकते हैं कि नहीं, अगर ऐसा लग रहा है कि बिना डांटे वो ध्यान नहीं देने वाला है। तो उदाहरण के तौर पे आप क्लास पढ़ाने गए, 60 बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, आपने थोड़ा तेज आवाज में डांट दिया, क्लास शांत हो गई, आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। ये काम दोनों तरह से हो सकता है, पूरे सभी बच्चों के प्रति विरोध के भाव से भर के भी हो सकता है और उनके प्रति स्नेह का भाव रखते हुए कि ध्यान नहीं दे रहे तो इनका ध्यान आ जाए, उस स्नेह के भाव के साथ भी डांटा जा सकता है। दोनों का अंतर ये होता है, जब आप विरोध के भाव के साथ डांटते हैं तो आपको नॉर्मल होने में पूरी क्लास निकल जाती है, आधा घंटा निकल जाता है, 10 मिनट निकल जाता है, आपका हार्ट बीट बढ़ा रहता है, आपकी सांस की गति तेज रहती है, बॉडी का टेम्परेचर एबनॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब आप स्नेह के भाव के साथ उनको डांटते हैं तो एक क्षण डांटते हैं, अगले ही क्षण आप नॉर्मल बने रहते हैं, बल्कि डांटते समय भी भीतर से नॉर्मल ही बने रहते हैं, ना तो सांस की गति एबनॉर्मल होती है, ना टेम्परेचर में कोई चेंज आता है बॉडी के, और आप आराम से तुरंत लेक्चर को आगे बढ़ा पाते हैं। ये ठीक वही प्रक्रिया है,
कई बार माँ को देखेंगे तो छोटे बच्चा अगर कुछ आग में हाथ जलाने जा रहा है तो माँ स्नेह के भाव के साथ भी उसे बहुत जोर से धक्का देती है और जोर से चिल्लाती है उसके ऊपर। लेकिन भाव स्नेह का बना रहता है, एक्सप्रेशन बाहर जरूर उस तरह का है। ये बात को माँ अपने में देख पाती है और उसका आराम उसमें बना रहता है। तो ये एक चौथी स्थिति है। फिर एक पांचवी स्थिति ये है कि मेरा भाव भी ठीक बना रहे और एक्सप्रेशन भी ठीक बना रहे और जो अव्यवस्था हो रही है उसको मैं डील भी कर पाऊँ। तो एक तरह से ये पांचवी स्थिति है। तो धीरे धीरे हमको इस पांचों सीढ़ी में अपना मूल्यांकन करके देखते रहना है कि कौन सी सीढ़ी पर है और अगले कौन सी सीढ़ी पर जाना है। ठीक भाई जी भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतने अच्छे से मुझे समझाया, थैंक यू भैया। हाँ नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया नमस्ते मेरा, हाँ भैया ये ऑब्जर्वेशन, मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि अभी तो मुझे बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है कि सुख एक प्रभाव नहीं है, इट्स अ स्वभाव। तो अभी मेरी भैया फसावट ये हो रही है कि जैसे मुझे दिखाई देता है कि मुझे स्वयं में समझ भी है, सही भाव भी मैंने स्थापित है मेरे अंदर और मैं डिस्टर्ब भी नहीं रहती हूँ। बट किन्हीं किन्हीं सिचुएशंस में, वैसे तो अभी आपने एक्सप्लेन कर दिया मुझे समझ में आ गया, किन्हीं किन्हीं सिचुएशंस में ये हो जाता है कि मैं रिएक्ट नहीं करना चाहती हूँ कि मुझे दिखता है कि संबंध का भाव बना हुआ है और मुझे ये भी दिखता है कि मुझे रिएक्ट नहीं करना है, लेकिन स्टिल एक सीमा पे ये हो जाता है कि मुझे बोलना ही होता है। तो फिर बोलने के बाद भी, बोलते समय भी मुझे दिखाई दे रहा होता है कि मुझे नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी वो स्लिप हो जाता है। फिर बाद में भी मुझे लगता है कि मुझे दिखाई तो दे रहा था कि मुझे नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया। तो दैट मीन्स उस टाइम पे स्लिपिंग हो जाती है, मुझे दिख रहा होता है कि मतलब ये जरूरत नहीं है बोलने की, संबंध का भाव भी है और दिखाई भी दे रहा है। तो एक तो चीज ये यहाँ पे मेरे को फसावट दिख रही है और दूसरा ये है कि किन्हीं किन्हीं सिचुएशंस में, वैसे तो जैसे पहले मैं डिस्टर्ब रहती थी, अब मैं डिस्टर्ब नहीं रहती हूँ किसी भी चीज में, लेकिन अभी अभी जैसे किन्हीं किन्हीं सिचुएशंस में क्या होता है कि मेरा, मैं न्यूट्रल फील करती हूँ। जैसे कोई एक सिचुएशन आ गई तो मुझे लगता है कि मैं मतलब हार्मोनाइज्ड भी नहीं हूँ और मैं रिएक्टिंग मोड में भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे उस टाइम पे लगता है कि मैं न्यूट्रल मोड में दिख रही हूँ मैं अपने आप को, कि मतलब हार्मोनाइज्ड भी फील नहीं कर रही हूँ, हार्मोनाइज्ड भी फील नहीं कर रही हूँ और मतलब रिएक्शन भी नहीं है। तो ये फसावट थोड़ी सी दिख रही है मुझे भैया। तो इसके लिए जैसे अभी आपने बोला कि भाव जो है एक बार सुनिश्चित हो जाए और तभी हम उसी मोड में रिएक्ट ना करें, ऐसा कुछ समझ में आ पा रहा था मुझे अभी। तो जहाँ तक आपका पहला प्रश्न था कि बहुत सारी मतलब स्थितियों में तो आप अपने में देख पाती हैं कि आप अपने भाव को ठीक रख के हार्मनी में बनी रह जी पा रही हैं, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। जी लेकिन एक लेवल के अग्रेशन जो सामने से आ रहा होता है, एक लेवल का जो डिस्टरबेंस आपके लिए सामने से आ रहा होता है, वो एक सीमा के बाद फिर आप इस काम को नहीं कर पाती हैं और आपसे रिएक्शन होने लग जाता है। जी 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 तो अपने भीतर थोड़ा जांच करेंगे अपनी मान्यताओं का, तो ध्यान जाएगा कि कहीं हमने एक और मान्यता तो ऐसी नहीं बना रखी है कि इस लेवल तक का तो डिस्टरबेंस या इस लेवल तक का अग्रेशन जो सामने से आ रहा है वहां तक तो ठीक है, उससे अगर ऊपर हो रहा है तब तो ईंट का जवाब पत्थर से देना ही पड़ेगा, उसके बिना उसको होश नहीं आएगा। हमारे भीतर इस तरह की कोई कंडीशनिंग तो नहीं बनी हुई है, हमारी मान्यता तो ऐसी नहीं बनी हुई है। तो ध्यान देंगे तो पाएंगे कि हमारे भीतर कुछ इस तरह की, या तो यही या इसी तरह की मिलती जुलती कुछ एक मान्यता है, यहाँ तक तो ठीक है, इसके ऊपर गया तो इसे बताते हैं, है ना। और हम कोई कमजोर थोड़े ना है कि इसको झेलते रहेंगे, है ना। अभी बताते हैं कि हम में भी कुछ ताकत है। तो ये मान्यता अगर हमारे भीतर है तो एक सीमा तक हम उसको रोक पाते हैं, उसके बाद वो मान्यता एक्टिव हो जाती है और हम ट्रिगर हो जाते हैं। होश पूर्वक अगर हम उसको देख लें, है ना, ठीक से कि ये मान्यता है और क्या ये मान्यता ठीक है ना। अगर ये मान्यता ठीक नहीं है तो इसकी जगह सही क्या है,
इसकी जांच परख थोड़ा अपने में आप शुरू करें तो इस मान्यता को ठीक से इवेलुएट कर पाए। तो भैया और मुझे उसकी दिख रहा जगह तो होता है उस टाइम पे, मुझे समझ में तो आ रहा होता है कि नहीं बोलना है या नहीं रिएक्ट करना है, लेकिन जब तक जैसे एक शब्द बोल नहीं दिया तब तक वो सेटिस्फेक्शन जैसे होता है ना कि सेटिस्फाइड फील नहीं करना। तीन स्थिति है दीदी। एक तो जी उसके ऊपर रिएक्ट करना है, एक हमको रिएक्ट बाहर तो नहीं करना है लेकिन भीतर रिएक्ट करते रहना है, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं बोलना है। और एक तीसरी स्थिति, हमको बाहर भी कुछ नहीं बोलना है और भीतर जो रिएक्शन हो रहा है उसको भी नहीं देखना है, लेकिन अंदर अंदर उसको इग्नोर करते रहना है। एक चौथी स्थिति, कि वो भी मेरा संबंधी है, ये मैंने स्वीकार रखा है, ऑल दो उसकी हालत बहुत खराब जी जी है, जी इसलिए वो जी खुद बेचैन है और हमारे साथ बेचैनी भरा व्यवहार कर रहा है, तो हम जी अपने भीतर ऐसा भाव विचार भी बना के रखते हैं कि वे संबंध तो उससे है ही, कैसे वो जी अपनी बेचैनी से बाहर आ सके। तो हम हाँ उसके डिस्टर्बिंग बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हुए उसके डिस्टर्बिंग विचार और भाव का अनुमान लगा सके, फिर जी समझ जी सके कि किस समझ के अभाव में वो इतना बेचैन है। फिर इस पर जी अपना भाव विचार चलाते हैं कि जैसे ही आराम में आता है, जैसे ही थोड़ा सुनने की स्थिति में आता है, जैसे ही इसमें थोड़ा हमसे सहयोग लेने की स्थिति बनती है, हम कैसे उसका ध्यान दिला सके कि वो अपने उस तरह के फंसावट से बाहर निकल पाए। तो आप देखेंगे तो आप अंदर ये सब चला रहे हैं, आप इग्नोरेंट अब जी उसके जी जी नहीं, और उचित समय का इंतजार कर रहे हैं जिस समय वो आपकी बात सुनने की जगह पर है ना। तो इन जी सभी स्थितियों में आप किस जगह पर रहती हैं और कहाँ जाना आपको सहज रूप से स्वीकार है, ये तो आप ही को तय करना पड़ेगा। जी भैया, तो दैट मींस ये है कि मतलब मेरी दुविधा ये है कि मुझे ये देखना है कि इस सिचुएशन में जो सामने वाले की स्थिति है वो तो खराब है ही, और मुझे उस समय अपने आपको संबंध मतलब भाव सुनिश्चित करके रखना है। वो जो स्टेज है, वो जो स्लिपिंग वाली स्टेज है, वो क्यों हो रही है, वो ये मुझे वेरीफाई करना। तो मैं उसमें यही कह रहा हूँ कि एक तो जितनी बात मैंने कही उसको मान न लीजिए, आप खुद ही तय जी करिए कि दूसरे के लिए इग्नोरेंट हो जाना आपको सहज स्वीकार है या उसके लिए जी रिस्पॉन्सिबिलिटी के भाव के साथ, जिम्मेदारी के भाव के साथ उसके साथ जीना सहज स्वीकार है। क्या सहज स्वीकार है उसको आप खुद ही जांचिए, और जो सहज स्वीकार है उसके लिए हम तैयारी करें। तो भैया मैं तो ये देख पाती हूँ कि सहज स्वीकार है, लेकिन जब हमारे अंदर ये इनेट फैकल्टी एग्जिस्ट करती है, नेचुरल एक्सेप्टेंस, हमें नेचुरली एक्सेप्टेड है ये जो भी हमारे सराउंडिंग में जो रिलेशंस हैं, लेकिन फिर भी ये स्लिपिंग क्यों हो जाती है? व्हाई वी हैव दिस चॉइस ऑफ स्लिपिंग की अभी तो हम देख पा रहे हैं कि मुझे तो ये स्वीकार है ही कि मुझे जिम्मेदारी के भाव से ही प्रस्तुत होना है। जी, क्योंकि जो मेरी कल्पनाशीलता है वो सहज स्वीकृति से भी ऑपरेट होती है और मान्यता से भी ऑपरेट होती है। तो जब सहज स्वीकृति हाँ पर ये ध्यान तो जाता है तो उस तरह की कल्पनाशीलता चलाते हैं, और कुछ हमने अनजाने में मान्यताएं बना रखी है कि मेरे को क्या फर्क पड़ता है, जिसको जो करना है करे, है ना, अपना देखो दुनिया का क्या करोगे, इस तरह की कई मान्यताएं जो बना रखा है अपने भीतर, वो मान्यता भी ऑपरेट होती रहती है। तो जब मान्यता ऑपरेट होती है तो हमारी स्थिति वैसी हो जाती है, जब हम अपनी सहज स्वीकृति को जो देखे हैं उसको ध्यान देते हैं तो हमारी कल्पनाशीलता उसके अकॉर्डिंग चलती है। तो हम तो चाहते हैं कि हमारी कल्पनाशीलता हमेशा सहज स्वीकृति के अकॉर्डिंग ही चले, लेकिन वो तो इसके लिए दो चीजों पर निरंतरता में ध्यान बनाए रखना जरूरी है, एक तो अपनी कल्पनाशीलता पर और दूसरी अपनी सहज स्वीकृति पर, और इस अभ्यास को हाँ करते रहना जरूरी है ये कि जैसी हमारी सहज स्वीकृति है वैसी हमारी कल्पनाशीलता सुनिश्चित हो जाए और उसके अन्यथा जो मान्यताएं हैं वो ध्यान देकर हम मूल्यांकित कर सकें। इस चीज का अभ्यास अपने भीतर थोड़ा और गहरा करना होगा तो हम सब इस काम को कर पाएंगे। जी 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 भैया, जी भैया, थैंक यू भैया, समझ में आ गया भैया। इसको आगे बढ़ा सकते हैं स्लाइड को। जी, तो हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि निरंतर तृप्ति पूर्वक जीने के अर्थ में ये तीन अभ्यास महत्वपूर्ण हैं।
स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व को सही सही समझना और अपने भाव विचार को सही करना, अर्थात सास्तित्व संबंध और व्यवस्था के अर्थ में अपने भाव विचार को सुनिश्चित करना, और फिर सास्तित्व व्यवस्था और संबंध के अर्थ में अपना व्यवहार कार्य और व्यवस्था में भागीदारी करते हुए जीना, और तीसरे को ठीक करने के लिए दूसरे को ठीक करना पड़ेगा, और दूसरे को ठीक करने के लिए पहले को ठीक करना पड़ेगा। इसलिए तीसरे के देश में पहला और दूसरा है, और पहले और दूसरे के देश में पहला है। ये बात हम लोगों ने अभी तक चर्चा की, इससे जुड़े अभ्यास को किया। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ सकते हैं जी। तो अब अगर देखें तो तीन महत्वपूर्ण बातों पर मैं ध्यान दिलाकर तब आगे बढ़ना चाहूंगा। एक तो हम स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक को समझना चाहते हैं। क्यों समझना चाहते हैं? क्योंकि जब हम स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक को समझ पाते हैं तो भी तभी हमारा वैसा भाव और विचार हो पाता है, अर्थात हमारा भाव विचार सही हो पाता है, तभी हमारा व्यवहार कार्य और व्यवस्था में भागीदारी भी व्यवस्थित हो पाता है, और ये तीनों जब हम कर पाते हैं तभी निरंतर तृप्ति पूर्वक जीने की ओर गति कर पाते हैं। तो निरंतर तृप्ति पूर्वक जीने की ओर गति करने के लिए स्वयं से लेके संपूर्ण अस्तित्व तक को समझना एक महत्वपूर्ण काम है। अब हम स्वयं से लेके संपूर्ण अस्तित्व तक को समझना चाहते हैं, तो समझने के लिए अब हम देखना शुरू करते हैं अपने आप को भी, दूसरे को भी, इस पूरे अस्तित्व को, उसको देखना शुरू करते हैं। और देखने के लिए अब सेलेक्ट करते हैं कि किस किस इकाई को पहले देखना है, किसको बाद में देखना है, और किस इकाई के किस भाग को पहले देखना है, उस अर्थ में हम ध्यान देना शुरू करते हैं। तो समझने की विषय वस्तु पूरी है स्वयं से लेके संपूर्ण अस्तित्व तक, अब उसको समझने के अर्थ में हम स्वयं से लेके संपूर्ण अस्तित्व तक को देखना शुरू करते हैं। पूरे को एक साथ चूंकि हम देख भी नहीं पाते, इसलिए एक एक इकाई को, एक एक इकाई के किसी किसी आयाम को, किसी किसी आयाम के किसी किसी भाग को ध्यान देना शुरू करते हैं। ध्यान देते हुए देखते हैं और देखते हुए समझते हैं। तो तृप्ति पूर्वक जीने के अर्थ में ये तीनों ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक तो जीने के अर्थ में समझना, समझने के अर्थ में देखना, और देखने के अर्थ में ध्यान देना। तो अब देखें तो समझने की जो कुल विषय वस्तु है, देखने की जो कुल विषय वस्तु है, ध्यान देने की जो कुल विषय वस्तु है, वो ये पूरा का पूरा अस्तित्व समग्र है। और अस्तित्व पे जब हम ध्यान देते हैं तो ध्यान में आता है कि शून्य है और इकाइयां हैं। इकाइयां जड़ और चैतन्य है, तो जड़ और चैतन्य इकाइयों के समूह को ही प्रकृति कह रहे हैं। जड़ और चैतन्य इकाइयों का जो ये समूह प्रकृति है वो शून्य में संपृक्त है, शून्य के सास्तित्व में है। तो ये सास्तित्व को ही यहाँ संपृक्तता भी कह रहे हैं। संपृक्तता का अर्थ है कि इकाइयां शून्य के सास्तित्व में उर्जित हैं, इकाइयां शून्य के सास्तित्व में स्वयं में व्यवस्था है, और इकाइयां शून्य के सास्तित्व में परस्परता को पहचान रही हैं और निर्वाह कर रही हैं। इकाई और शून्य के संदर्भ में जब इस तीनों बातों पर ध्यान दे रहे हैं उसी संदर्भ में संपृक्तता शब्द का प्रयोग किया है, तब ये कह पा रहे हैं कि शून्य भी है और जड़ चैतन्य इकाइयां भी हैं। ये जड़ चैतन्य इकाइयां शून्य में संपृक्त हैं, अर्थात ये जड़ चैतन्य इकाइयां शून्य में उर्जित है, स्वयं में व्यवस्था को बनाए हुए हैं और परस्परता में संबंध को पहचान रही हैं, निर्वाह कर रही हैं, उससे ये पूरी प्रकृति में एक व्यवस्था बनी हुई है, पूरा अस्तित्व सजा हुआ है, और हर इकाई इस बड़ी व्यवस्था में कुछ निश्चित भागीदारी कर रही है। हम भी इस व्यवस्था की एक इकाई है, हमारी भी इस बड़ी व्यवस्था में कुछ निश्चित भागीदारियां हैं, उसको हमको ध्यान देकर समझना है, और उसको समझते हुए पूरी व्यवस्था को समझना है और इस अस्तित्व को भी समझना है। तो एक तरह से ये समझने की कुल मूल विषय वस्तु पर ध्यान जाता है।
आप इसको वापस देखें अगर पिन पॉइंटेड, तो समझने की तीन मूल मूल वास्तविकताओं को हम लोग तीन भाग में देख रहे हैं। एक तो चैतन्य को समझना, तो जैसे सेल्फ को देखते हैं तो ये हमारे चैतन्य का उदाहरण है। दूसरा इस जड़ को समझना, जड़ के उदाहरण को देखने जाए तो हमारा शरीर जो है वो जड़ का एक उदाहरण है। अन्य इकाइयां भी जड़ में आएंगी, बट शरीर भी जड़ का एक उदाहरण। फिर सहअस्तित्व को समझना, शून्य को समझना, तो तीन मूल चीजों पर ध्यान देकर समझने का काम करना है, चैतन्य को, जड़ को, सहअस्तित्व को, शून्य को। हम इन्हीं तीन वास्तविकताओं को समझने के अर्थ में अब अभ्यास, पिछले अभ्यास भी इन्हीं तीन मूल वास्तविकताओं को समझने के अर्थ में कर रहे थे, आगे भी उसी से जुड़ के हम लोग इस अभ्यास को करेंगे। तो जो चैतन्य है अर्थात हमारा सेल्फ है, उसको जो देखने का, उसको जो समझने का काम कर रहे हैं, उसको हम लोग अभ्यास एक में करेंगे। अर्थात चैतन्य को समझने का जो विस्तार है उसको हम अभ्यास एक में करेंगे, और जड़ को जो समझने का विस्तार है उसको अभ्यास दो में करेंगे। तो अभी मूलतः ये जो 4 महीने का बैच है उसमें ये दो अभ्यास हम लोग करेंगे, चैतन्य को समझने का और जड़ को समझने का। तो ये तीसरा अभ्यास है अस्तित्व को समझना, शून्य को समझना, उसको अभ्यास दो के आखिरी स्टेप में बात करेंगे, लेकिन फिर भविष्य में इसको और डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी इन 4 महीनों में पहले दो अभ्यास पर ज्यादा फोकस होंगे, तीसरे अभ्यास को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। तो एक तरह से इस तीनों अभ्यास को हम लोग एक एक करके करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड भी। तो अभी तक हम लोगों ने जो बात की उसको देखें तो ये इतनी बात की है कि पूरे अस्तित्व समग्र को समझना है, तो पूरे अस्तित्व समग्र पर ध्यान देने जाते हैं तो दो तरह के ये देख पाते हैं, तो इकाइयां और दूसरा व्यापक शून्य। इकाइयां दो तरह की हैं, जड़ और चेतन। तो अब समझने के लिए तीन चीजें हैं, एक तो जड़ और दूसरा चैतन्य और तीसरा शून्य। तीनों को ही समझना है, तीनों पर ही ध्यान देना है। तो जड़ का उदाहरण शरीर है, चैतन्य का उदाहरण मैं खुद हूं, मेरा सेल्फ है, और शून्य को जब हम ध्यान देने जाते हैं तो इनिशियली शून्य को अपने मतलब जहां हम हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच के तरफ, अगर सूर्य दूसरी इकाई है और हम पहली इकाई है, तो मेरे और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है सामान्यतः शुरू में उसको शून्य के रूप में देख पाते हैं। फिर धीरे धीरे यह दिखता है कि जो शून्य है, जो व्यापक है, सिर्फ मेरे और सूर्य के बीच में या पृथ्वी और सूर्य के बीच में ही नहीं है, बल्कि सूर्य के चारों तरफ, और सिर्फ सूर्य के चारों तरफ ही नहीं है, पृथ्वी के भी चारों तरफ है, चंद्रमा के भी चारों तरफ है। फिर ध्यान जाता है कि ये जो शून्य है, ये दो इकाइयों के बीच दूरी के रूप में जिसे देख रहा हूं, वो दो इकाइयों के बीच संबंध के रूप में भी देख सकता हूं। तो अब ये तीन चीजों पर ध्यान जाता है, शरीर, मैं और शून्य, जिसको शुरू में मैं दो इकाइयों के बीच दूरी के रूप में देखता था, अब दो इकाइयों के बीच संबंध के रूप में भी देख सकता हूं। तो अब इन तीनों पर ध्यान देने की आवश्यकता मुझे महसूस होती है, तीनों को समझने की आवश्यकता महसूस होती है, तीनों को देखने की आवश्यकता मुझे महसूस होती है। इसलिए अब मुझे निर्णय बनाना है, देखना समझना तो इन तीनों को ही है, तो तीनों को यदि मैं एक साथ देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, तो तीनों पे एक साथ ध्यान दे लूं। लगता है कि अभी तीनों को अभी एक साथ नहीं हैंडल कर सकता, तो मैं क्रम तय कर लूं कि पहले किसको समझूंगा, उसको पहले देखेंगे, उसको देखने के लिए पहले उस पर ध्यान देंगे। तो ध्यान देने के क्रम को हम तय कर पाएंगे ताकि क्रम से देखने का काम कर सकें, फिर अंत में सबको एक साथ जोड़कर समझने का काम भी अंत में टोटालिटी में भी कर सके और बीच में एक एक को भी समझने का काम कर सके। तो हमको अपने आप से पूछने की जरूरत है कि हम पहले किसको समझें, जड़ को, चैतन्य को या शून्य को। तो ध्यान देते हैं तो जड़ को भी चैतन्य ही समझ रहा है,
सुनने का को भी समझने का काम चैतन्य ही कर रहा है। अगर चैतन्य ने अपने आप को ठीक से समझ लिया है, वो जड़ और शून्य इन दोनों को भी ठीक से समझ सकता है। इसलिए हम लोग तो यहाँ ये प्रस्तावित कर रहे हैं कि पहले चैतन्य पर ध्यान दिया जाए, पहले स्वयं पर ध्यान दिया जाए और स्वयं को समझा जाए। तो हम लोगों को जो लगता है कि पहले चैतन्य को देख लें, समझ लें, फिर शरीर के साथ शरीर को भी देख लें, समझ लें, फिर इसके साथ जो ये शून्य है उसको भी देख लें, समझ लें। तो इस क्रम में ये बात प्रस्तावित है, लेकिन यही एक मेथड है, ऐसा नहीं है। अगर किसी को लगता है किसी और क्रम से भी इस तीनों को समझा जा सकता है, तो और क्रम से भी इसका प्रयास किया जा सकता है। वो क्रम शून्य को कोई लोग पहले समझने का प्रयास करना चाहते हैं, वहां से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग चैतन्य को समझने से शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे दीदी भैया, तो नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक जितना चर्चा किया उसको एक तरह से इसमें समराइज कर, एक तो चैतन्य को समझना है, दूसरा जड़ को समझना है, तीसरा इस अस्तित्व और शून्य को समझना। तो चैतन्य को समझेगा कौन? तो चैतन्य खुद समझेगा। तो चैतन्य को चैतन्य के द्वारा ही समझना है, सेल्फ को सेल्फ के द्वारा ही समझना है, सेल्फ को सेल्फ के द्वारा ही देखना है। शरीर को भी कौन समझेगा? तो चैतन्य ही समझेगा। तो शरीर को भी चैतन्य के द्वारा, सेल्फ के द्वारा ही समझना है। इस शून्य को, सस्तित्व को कौन समझेगा? शून्य और सस्तित्व को भी चैतन्य के द्वारा ही समझेंगे। तो ये तीनों को चैतन्य के द्वारा ही समझेंगे, अर्थात समझने वाला, देखने वाला, ध्यान देने वाला कौन है ना, उसी को दृष्टा कह रहे हैं। तो जो समझने वाला, ध्यान देने वाला, देखने वाला है, ये कौन है? मेरा शरीर है या मैं स्वयं हूं? और उसको स्पेसिफाई करें तो ये जो देखने वाला है वो कौन है? मेरी आंखें हैं या मेरा चैतन्य है, या मैं स्वयं, मतलब आंखें हैं या मैं स्वयं हूं, अर्थात चैतन्य है। तो हम इसको अपने भीतर ऑब्जर्व करके देखें कि जो कुछ भी मैं देखता हूँ, ये आंखें देखती हैं या मैं देखता हूँ, चैतन्य देखता है। तो आप ध्यान देंगे तो ये देख पाएंगे कि आंखों पर तो बहुत सारे चित्र एक साथ बनते हैं, लेकिन उसके जिस भाग को देखने का सिलेक्शन आपका चैतन्य, आपका सेल्फ करता है, उतने पर ही आप फोकस बना पाते हैं, बाकी इमेज ब्लर हो जाता है, उस पर आपका ध्यान नहीं जाता। कान पर तो कई सारी ध्वनि एक साथ पड़ती है, मेरे बोलने की भी, पंखे की भी, बाहर जो चिड़िया बोल रही है उसकी भी, ये सारे साउंड वेव कान पर एक साथ मिक्स होके पड़ रहे हैं। लेकिन आपका चैतन्य जिस भी साउंड को सुनने का निर्णय लेता है, तो वही साउंड उसको सुनाई देता है, बाकी साउंड एक तरह से या तो एकदम हल्की या धीरे धीरे ध्यान देंगे तो वो भी सुनाई भी नहीं देती। तो धीरे धीरे ये सबको अपने भीतर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये पता चलता है कि आंखें, आंख, कान, ये सब तो यंत्र है। देखने वाला, ध्यान देने वाला, समझने वाला तो ये चैतन्य है। तो ये एक महत्वपूर्ण हम बात अपने भीतर देख पाते हैं कि ध्यान देने वाला तो चैतन्य है, आंख यंत्र है। तो जितनी बात हम लोगों ने अभी चर्चा किया है, मुख्य तौर पे ये बात कि तीन चीजें हमको ध्यान देना है, उस अर्थ में देखना है और उसको समझना है, फिर उसको देखने वाला मैं स्वयं हूं या मेरी आंखें हैं, इतनी बात पर ध्यान देकर हम अपने भीतर 5 मिनट के लिए इस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो जो भी ऑब्जर्वेशन हमारा बनता है उस पर हम लोग थोड़ी देर चर्चा करेंगे। तो अगले 4-5 मिनट में आपको जितनी बात हुई है उस पर सेल्फ रिफ्लेक्ट करने के लिए अवसर दूंगा, फिर हम लोग बातचीत करेंगे। तो
अगले 5 मिनट हम लोग इसको अपने भीतर रिफ्लेक्ट करें। जी, तो आप सबके जो भी ऑब्जर्वेशन रहे हैं इस प्रस्ताव पर, जितनी चर्चा अभी हुई है, आपके जो भी ऑब्जर्वेशन है या उस पर जो भी क्वेश्चन है, हम लोग उस पर अगले 5 मिनट बात कर सकते हैं। तो मैं चैट बॉक्स में एक प्रश्न देख रहा हूँ कि ये जो स्पेस है वो दो इकाइयों के बीच में भी जो है वो इकाइयों के भीतर भी है क्या, सेल्फ में भी और अन्य जड़ इकाइयों में भी? जी भैया, ये जो स्पेस है ये ऑल प्रवेडिंग है, तो ये स्पेस सब जगह पर है। कुछ जगहों पर सिर्फ स्पेस है, कुछ जगहों पे इकाई और स्पेस साथ साथ है। तो इस पूरे अस्तित्व में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां स्पेस नहीं है। तो उसको दूसरी भाषा में कहें तो स्पेस इकाइयों के बाहर भी है, इकाइयों के भीतर भी है, चाहे वो इकाई जड़ इकाई हो, चाहे वो इकाई चैतन्य इकाई हो, हर इकाई स्पेस में है और हर इकाई में स्पेस है। तो उसको दूसरी भाषा में कहूंगा तो ऐसे कहूंगा कि स्पेस हर जगह है, कहीं पर सिर्फ स्पेस है और कहीं पर इकाई और स्पेस साथ साथ है, और वो इकाई जड़ और चेतन दोनों हो सकती है। तो इस पर हम लोग ध्यान देने का काम कर सकते हैं। बढ़िया, तो समझने वाला मैं स्वयं हूं, अब मुझे खुद को समझना है। खुद को समझना है इसलिए खुद को देखना है, खुद को देखना है इसलिए आप खुद ही पर स्वयं पर ही ध्यान देना। डॉक्टर प्रवीण कटारिया जी। हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, जब हम बिल्कुल अपने में बैठ के ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो मैं देख पाती हूँ कि मैं अपने शरीर से भिन्न हूँ, और मैं ये भी देख पाती हूँ कि जो सांस की गति है, सांस आ रहा है तो कभी सांस बिल्कुल स्मूद आ रहा होता है और कभी सांस के आने में भी उथल पुथल सी होती है। अभी ऐसे लगता है कि जैसे सांस हमें चढ़ी हुई है जब हम ध्यान देते हैं। ये मैं देख पाती हूँ कि मैं सांस से भी भिन्न हूँ, तो इसका मतलब मैं बॉडी और सांस दोनों से भिन्न कुछ और हूँ, लेकिन साथ में ही दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं और उन थॉट्स की तरफ जब ध्यान देती हूँ तो उसमें भी कोई जो है कोई उसमें आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हो गई हैं। यदि आप अनम्यूट कर हाँ जी, लेते। हाँ जी सर, हाँ जी, तो जैसे मैं देख पाती हूँ कि मैं सांस नहीं हूँ, सांस से डिफरेंट हूँ, मैं कुछ और हूँ और सांस मेरे अंदर आ रहा है जा रहा है, और कभी कभी वो सांस का आना जाना सामान्य प्रतीत नहीं होता। ऐसे लगता है जैसे थोड़ा सा उथल पुथल हो रहा है, मतलब जिससे मुझे अपने पेट में थोड़ा सा ऐसे फील होता है कि जैसे सांस चढ़ गई होती है, जैसे हम कहीं से भाग के आए होते हैं। और मैं ये भी देख पाती हूँ कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, ठीक है, सिर से लेके पैर तक अगर मैं उसको कट्ठा जैसे चौंकड़ी मार के बैठे हैं तो आई एम एबल टू ऑब्जर्व कि हाँ कुछ है भी, ये भी कुछ है, तो इसका मतलब मैं शरीर भी नहीं हूँ, शरीर से भी डिफरेंट हूँ, मैं ये ऑब्जर्व कर पाती हूँ। और थॉट्स चल रहे हैं, थॉट्स भी आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें कोई वो भी मैं देख पाती हूँ कि कोई कभी कोई विचार आ रहा है, कभी कोई विचार आ रहा है, तो इसका मतलब मैं उससे भी भिन्न हूँ, कुछ डिफरेंट हूँ, मैं थॉट भी नहीं हूँ, मैं ये देख पाती हूँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने ऑब्जर्व करा है कि जब मैं सुबह रोज 1 घंटा मेडिटेशन के लिए बैठने की कोशिश करती हूँ तो उस टाइम पे मेरे जो भी दिन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो प्रॉब्लम्स घूमती रहती हैं, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन माइंड में बनते रहते हैं। और मुझे कई बार ऐसे लगता है कि जो प्रॉब्लम्स मुझे कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है वो चल रही है कि ये काम कैसे करना है, तो इतने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो जाते हैं कि वो फिर मेरे पास सोल्यूशन सा दिख जाता है कि ऐसे करना है इस काम को, और फिर वो सोल्यूशन ही बार बार घूमता रहता है, उसी की रिविजन होती रहती है, जबकि मैं बार बार कोशिश करती हूँ कि ठीक है अब ये सोल्यूशन हो गया, अब मैं इसको स्थिर करूँ, इसमें सोचना बंद करूँ,
लेकिन वही फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन घूम घूम के सोल्यूशन बार बार घूमता रहता है। तो ऐसी मेरी ऑब्जर्वेशन है पिछले कुछ दिनों की, तो भैया इस पे मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जी दीदी, तो हमारा ध्यान हमारे विचारों पर गया है, तो हमको बहुत सारे ऐसे विचार दिखाई देते हैं जो हार्मनी में नहीं है, जिसमें उथल पुथल, ये डिसहार्मोनियस थॉट को, उथल पुथल वाले थॉट को ही हम समस्या कह रहे हैं। तो एक तरह के थॉट को हम दूसरे तरह के थॉट से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारा अनुमान रहता है कि इसमें वो उथल पुथल नहीं होगी, उसमें वो डिसहार्मनी नहीं होगी, पर ऐसा जब हमको लगता है तो उसको हम समाधान कह रहे हैं। लेकिन ये दोनों के दोनों ही काम विचार के स्तर पर हो रहे हैं। जब हम विचार के स्तर पर करते हैं तो वो बार बार घूम घूम के आता है ना, तो सॉल्व करते हैं फिर घूम के आता है। तो उसकी जगह अगर हम एक स्टेप और चल सके कि जो भी हमारे भाव विचार में उथल पुथल दिख रहा है, विचार में जो उथल पुथल स्पेशली दिख रहा है, अब हम ध्यान देना शुरू करें कि उस विचार के पीछे भाव क्या है। तो एक विचार चल रहा है कि उसको ये कहना है, उसको वो कहना, उसने ये कैसे कह दिया, वो कैसे कह दिया, ये घटना कैसे घट गई, ये एक तरह से विचार चल रहा है। अब उस क्षण हम अपने भीतर देखें कि उस विचार के पीछे मेरा भाव क्या है। व्यक्ति के साथ जोड़ के जो ये विचार चला रहा हूँ, उसमें मेरे लिए, मेरे में सम्मान का भाव है, स्नेह का भाव है, द्वेष का भाव है, अपमान का भाव है, भाव क्या है मेरे। और एक बार भाव पर ध्यान जाए तो फिर उसको चेक करूं कि ये भाव मेरा स्वाभाविक भाव है या दूसरे के दबाव प्रभाव में कुछ भाव मैंने बना रखा है, मान्यता आधारित। भाव को देखकर जब मैं भाव को ठीक करता हूँ, फिर जब विचार को ठीक करने जाता हूँ, तो वहां पर ज्यादा ज्यादा अच्छे से काम कर पाता। भैया इसमें मैं एक और क्लेरिफिकेशन आपसे चाहूंगी। जैसे मैं अपने बिजनेस की ओनर हूँ, और ज्यादातर अगर कोई ट्रबल्स माइंड में घूमती हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग से रिलेटेड घूमती हैं, कि जैसे स्टाफ में कुछ ना कुछ आपस में पॉलिटिक्स कंफ्यूजन होती है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होता है, और कई बार वो दोनों ही स्टाफ इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पिलर्स होते हैं, तो इस तरह की ट्रबल्स ज्यादातर मेरे घूमती रहती हैं। ठीक है, तो उस केस में कई बार मेरा जो भाव है, जो विचार, अगर मैं उस पर सोचती हूँ तो वो तो मुझे यही लगता है कि मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का भी मतलब जो स्टाफ है वो आपस में हार्मनी में चले और जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान ना हो, ये रहता है। तो मैं इसको कैसे अपने आप को और इसमें ठीक करूँ? जी, तो एक बात तो हमको ये ध्यान में आ जाए कि ये जो जब भी दो लोग उलझते हैं, दो लोगों के उलझने का मतलब ये है कि दोनों पहले बाहर उलझे या दोनों का भाव विचार अपने में उलझा इसलिए बाहर उलझे, क्या निष्कर्ष है दी? हाँ, उसमें उसमें जनरली कई बार ये रहता है, रेस रहता है कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं यस, अपने आप को ज्यादा अच्छा प्रूव कर दूं, मुझे ऐसे लगता है। वो रेस बाहर पहले रहती है या अपने भाव विचार में पहले रेस रहती हाँ, तो डेफिनेटली उनके भाव विचार में ज्यादा रहती है कि है? हम ज्यादा अच्छा कर रहे हैं तुमसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जी, तो ये भाव विचार में एक मान्यता बनी हुई है कि प्रतिस्पर्धा में दूसरे को नीचे दिखाना है। हाँ जी, ये मान्यता आदमी में स्टेब्लिश है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे भी स्टेब्लिश है। अब वो इस मान्यता को देख नहीं पा रहे हैं कि इस मान्यता के कारण वो खुद डिसहार्मनी में जा रहे हैं और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बार बार डिसहार्मनी हो रही हाँ है। जी, मान्यता को ठीक करने की जरूरत उनको नहीं लग रही, उनको लग रहा है कि विकास का यही सही तरीका है कि प्रतिस्पर्धा में रहा जाए, लेकिन उससे एक बेचैनी महसूस होती है तो हम नाम दे देते हैं कि हेल्दी प्रतिस्पर्धा में रहा जाए। लेकिन कितनी जी देर प्रतिस्पर्धा हेल्दी बना ले, अंदर भी बेचैनी होगी और बाहर तो उसके लिए क्योस होगा ही होगा। अगर हमको जी ध्यान में आ गया है एज ए ओनर ऑफ दैट बिजनेस, तो अब हम ये भी काम करेंगे कि मेरा जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एसेट है, और इसमें काम करने वाले लोग भी महत्वपूर्ण है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के भाग है। इनका भाव विचार ठीक हो तो ऑर्गेनाइजेशन का क्योस खुद बखुद धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के साल भर के स्ट्रक्चर में कुछ तो प्रोग्राम ऐसा बनाएंगे जहाँ लोगों का ध्यान उनके भाव विचार पे जा सके, वो उसको ठीक कर सके, तो देखेंगे कि साल भर में क्योस के कारण ऑर्गेनाइजेशन का जितना समय बर्बाद हो रहा था, अब वो एक तरह से व्यवस्था में लगने लग जाएंगे।
बाकी इस पर और डिटेल बात बाद में कर सकते हैं, लोग 4 मिनट थोड़ा एक्सीड कर गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया भैया, शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत। तो लोगों के हैंड और रेज हैं, लेकिन समय चूंकि पूरा हो चुका है तो हम लोग आप तो लोगों से कल बात करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कल हैंड रेज करें, तो कल हम लोग आप लोग के ऑब्जर्वेशन को लेंगे। जी, आज के लिए कंक्लूड कर सकते हैं भैया।